हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। मैं हूं आपका अपना राजभय राज, आपके सामने लाया हूं हिमालयन 450। तो इसके अंदर दिखाऊंगा मॉडिफिकेशन आपको। सबसे पहले दिखाता हूं इसके अंदर कॉम्बो किट जो कि इसके अंदर लगाइए। कॉम्बो किट में क्या क्या होता है वो बताया पहले आपको। ये देखिए, ये तो हेडलाइट ग्रिल। इसके बाद आपको मिलता है GPS माउंट, ये देख सकते हैं आप। इसके बाद आपको नीचे देखने को मिलेगा, इसके अंदर देख सकते हैं ये है इसका रेडिएटर गार्ड। इसके बाद मिलेगा आपको सम गार्ड। इसके इधर आइए थोड़ा सा, इसके बाद मिलता है आपको टॉप रैक प्लेट और तीन चीज़ें और हैं देख लो। एक तो इसकी मिलेगी आपको मास्टर सिलेंडर कैप, एक आपको मिलेगा इसके अंदर ये वाली मास्टर सिलेंडर कैप, एक मिलती है आपको ये वाली मास्टर सिलेंडर कैप। तो ये होता है पूरा 8 आइटम का कॉम्बो किट जो कि इसके अंदर लगा दिया गया है। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इनका यूज़ क्या होता है और ये कैसे कैसे इसके अंदर लगता है। तो सबसे पहले देखने वाले हेडलाइट ग्रिल, इससे जो इसकी लुक है तो काफ़ी इनहेंस हो ही जाती है। लुक इनहेंस होने के साथ साथ ना आपके हेडलाइट भी हुए थे पूरी तरीके से सेफ। और ये है कुछ स्पाइडर लुकिंग वाली, और भी इसके अंदर बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं, बट ये कॉम्बो किट के साथ इसलिए इसको ज़्यादा प्रेफर किया था लगाने के लिए। और इधर आपको देखने मिलेगा, ये देख सकते हैं ये इसका GPS माउंट जो लगा देगा इसके अंदर। प्रॉपर फिटिंग है इसका हिमालयन का, और साथ में इसमें लगा देगा मोबाइल होल्डर, जिसे मोबाइल लगाने के बाद कहीं भी आप इजी टू राइड कर सकते हो GPS ऑन करने के बाद। चाहे कोई लॉन्ग ड्राइव हो चाहे शॉर्ट ड्राइव हो, सब ड्राइव इसमें ईजिली निकल जाएंगी आपकी। और इधर आपको देखने मिल जाएंगे, देख सकते हैं ये हैं इसके हैंड गार्ड जो कि लगा दे गए हैं। हैंड गार्ड इतने हैवी हैंड गार्ड होते हैं ना कि इससे सबसे बड़ा फ़ायदा तो आपका ये होता है कि आपका हैंड सेफ होते हैं, साथ में आपका लीवर भी सेफ होता है। और सबसे मेन बात ना, गर्मियों में लू नहीं लगती क्योंकि काफ़ी बड़े साइज़ के हैं। सर्दियों में आपको ठंड कम लगती है, और बारिशों में समझो ना पानी भी नहीं आता इससे आगे से। तो ये आपके इधर भैया सेम मिलेगा आपको इस तरफ। और इसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके अंदर मास्टर सिलेंडर कैप। ये लुक काफ़ी इनहेंस हो जाती है इसे लगाने के बाद, और लुक के साथ साथ ना सेफ्टी भी हो जाती है इसकी आपका मास्टर सिलेंडर की पूरी। इधर आपको देखने मिलेगा नीचे रेडिएटर गार्ड, जिससे आपका रेडिएटर होता है पूरी तरीके से सेफ, क्योंकि जब भी ऑफ रोडिंग ऑन रोडिंग जाती है ना गाड़ी, तो कंकर पत्थर कुछ भी आकर लगने के बाद ना आपका रेडिएटर होता है सेंसिटिव पार्ट, तो वो ब्रेक हो जाता है। उसे ब्रेक होने के बाद आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो गाड़ी आपकी वहीं पर स्टॉप हो जाएगी अगर वो टूटा तो ये उसको करता पूरी तरीके सेफ जो कि इसके अंदर लगा दिया गया है। इधर आपको देखने मिलेगा सम गार्ड, इससे आपका जो ऑयल फिल्टर है वो पूरा सेफ हो जाएगा, और जो इसके अंदर आता है ना वो आता है काफ़ी प्लास्टिक वाला, और ये अब इसके अंदर लगा दिया इसके मेटल वाला। इसे लगाने से पूरी तरीके से सेफ्टी आपके मिल जाती है नीचे की तरफ। और ये है इसका क्रैश गार्ड जो कि लगा दिया गया है। इसे क्रैश गार्ड से लगाने से ना आपका टैंक, आपके लेग्स ये होते हैं पूरी तरीके प्रोटेक्ट, लुक भी काफ़ी एनहेंस हो जाती है इसे लगाने के बाद, क्योंकि इसमें लगते हैं 4 स्लाइडर, 2 इस तरफ 2 इस तरफ। जब भी गाड़ी गिरती है तो गाड़ी पूरी स्ट्रेट खड़ी हो जाती है, आपके बाइक पे कहीं भी स्क्रैचेस वगैरह नहीं आते हैं इसे लगाने के बाद। तो ये होता है इसका एडवांटेज। और अब दिखाता हूँ इसके अंदर सीट कवर भी इसके अंदर लगा देगा। देख सकते हैं ये सीट कवर जैसा कि इस गाड़ी का आता है ना सीट कवर, उसी की मैचिंग का लगा देगा। कुशनिंग विद कवर सीट कवर जो कि इसके अंदर बना दिया गया है, सेम लुकिंग के अंदर, जो कि जज भी नहीं हो पाएगा कि ये बनवाया है फिर कंपनी वाला ही है, क्योंकि कंपनी वाला भी सेम होता है और ये भी कुछ उसी का टेक्सचर लिया गया। और ये होता है आपका फुल्ली वाटरप्रूफ, साथ में इसमें की गई लैमिनेशन जो कि आप देख सकते हैं। लैमिनेशन जो है ना वो भी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के उसके अंदर कर दी गई। मैट गाड़ी होते हैं तो उसमें मैट ही हुआ है, और जज नहीं हो सकता कि ये की भी गई है या नहीं की गई है। साथ में आपको मिलते हैं सैडल स्टे, ये देख सकते हैं ये सैडल स्टे अंदर काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के लगा दिए गए हैं दोनों तरफ। और सबसे बड़ा फ़ायदा पता क्या है इसका, ये जो देख रहे हो आप स्क्रूज, ये आपका फुटरेस्ट ये डिटैचेबल वाले हैं, इसको निकालने के बाद आप कहीं पर भी रख दो, जब यूज़ करने हैं तो लगा सकते हो, अदरवाइज इसे हटा भी सकते हो आप। और उसे हटाने के बाद आप इसमें पैनियर्स वगैरह ईजीली आप इसमें लगा सकते हो, इतने हैवी क्वालिटी के आपके मिलते हैं इसके अंदर पैनियर्स। और अगर जो पैनियर आपको इसकी प्रॉपर फिटिंग है ना तो वो भी अपने पास मिल जाते हैं पूरे प्रॉपर फिटिंग वाले। साथ में आपको मिलेगी टॉप रैक प्लेट, देख सकते हो इसे लगाने के बाद कोई भी टॉप बॉक्स आप इजीली इसके अंदर फिट करा सकते हो। जैसे कि मैं बता रहा हूँ बार बार, वैरायटी बहुत सारी है, वैरायटी कोई कमी है नहीं हमारे पास, कुछ भी आप लगवा सकते हो जब मर्जी हमारे पास आकर। और जैसे कि बैक साइड के अंदर देखते हैं ये भी इसकी डिस्को है, मास्टर सिलेंडर कैप है एक ये भी करते हैं लुक को इन्हें, साथ में सेफ्टी मिल जाती है पूरी इसकी। और आप चाहो तो इसके अंदर ना आप एग्जॉस्ट चेंज नहीं कराना चाहिए, उसका डीकेट बैंड पाइप आता है हमारे पास, आप चाहो तो वो लगवा सकते हो। और जिसने नहीं देखा हो ना वो हमारी वीडियो में जाकर नीचे चेकआउट कर लेना, उसके अंदर आपको सारी मॉडिफिकेशन मिल जाएगी आपको हिमालयन की जो भी इसके अंदर की गई है। ये थी इस बाइक की मॉडिफिकेशन। और मिलाना चाहूँगा भैया से, जिन भैया की ये बाइक है कि उनको हमारा काम कैसा लगा, और भैया कहाँ से आए थे? ये भैया हैं कहाँ से आए बताइए। अरे मैं बेंगलोर से आया हूँ, यहाँ करनाल से। बेंगलोर से आए लेकिन करनाल से हैं, काम वगैरह सब बहुत बढ़िया, एक नंबर बढ़िया। चलो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो ये देख सकते हैं जो बाइक है ना, ये भैया वैसे करनाल से आए हैं बट बेसिकली बेंगलोर से हैं, तो करनाल में आकर शायद उन्होंने बाइक बाई किया ना, तो करनाल से बाइक बाई करके सीधा लाए हमारे पास, और इसमें सारा काम हो चुका है ऑल ओवर साइड। आपको भी आना क्या तो ये ध्यान रखना। तो वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक से शेयर जरूर कर देना,
राजू भाई एसकेडी को, आना कहाँ पर, डिस्क्रिप्शन आपको लोकेशन एड्रेस सब मिल जाएगा और स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो, जब तक जश्न जो मिलते हैं, गुड बाय।